हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। तो देखिए, प्रभाकर का जन्म यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर स्थित देवबंद नामक ग्राम में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक, ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते थे। इनके पिता पंडित रामादत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताई थी। दोस्तों क्या है कि जो इनके पिता पंडित रामादत्त मिश्र है, वो पूजा पाठ करते थे और दूसरों की भलाई सोचते थे, दान करते थे। ठीक, और पर विचार की महानता और व्यक्ति की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे। प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। क्या है कि इनकी जो माता थी वो बहुत ही झगड़ालू थी, कर्कश और उग्र था इनके माता का स्वभाव। प्रभाकर जी ने राष्ट्र संग्राम में भाग लेना अधिक पसंद किए। ठीक, और आगे लिखेंगे राष्ट्र संग्राम में लिए भाग लिए और आगे लिखेंगे जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे, तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना। और आगे लिखेंगे जिसका इन पर इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले गए। देखिए, और आगे लिखेंगे और अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दी। ठीक, और 9 मई 1995 ईस्वी में इनका निधन हो गया। देखिए क्या है कि जो क्लास ट्वेल्थ में जो जीवन परिचय होता है, वो अधिकतम शब्द सीमा दिया रहता है 80 वर्ड तक। आप लगभग 100 वर्ड तक लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 100 वर्ड के आसपास लिखा है। और देखिए, आपको जीवन परिचय पर तभी पूरा नंबर मिलेगा जब आप जीवन परिचय लिखने के बाद लेखक के या कवि के कुछ नीचे उनकी कृतियाँ पर प्रकाश डालेंगे, उस पर 1 नंबर मिलता है। और साथ ही साथ देखिए क्या है कि आप जो रचना तैयार करते हैं, तो जो लेखक या कवि होते हैं उनके नीचे जो रचनाएं दिए रहते हैं पाठ में, वो याद करेंगे तो आपको परीक्षा में ज़्यादातर मैचिंग करेगा, ज़्यादा उसमें से पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, इनका रेखा चित्र है, जिंदगी मुस्काई माटी हो गई सोना, भूले बिसरे पन्ने उन्होंने रेखा चित्र में प्रस्तुत किया है। और कथा में देखिए आकाश के तारे और धरती के फूल, और संस्मरण में उन्होंने दीप जले और शंख बजे लिखे हैं। देखिए क्या है कि पूछा जा सकता है कि बोर्ड में कि दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है, तो आप संस्मरण लिख देंगे, इसी तरह बोर्ड में पूछा जाएगा। और निबंध में इन्होंने छड़ बोले और कड़ मुस्काए बाजे पहलिए के घुंघरू लिखे हैं। दोस्तों, आप कक्षा 12th की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा तो आपको तुरंत मिलेंगे।